morning to you all. Today's morning hukumnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Ram Das Ji in Raag Suhi Ang 757 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand, so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji, Raag Suhi Ashtpadiya Mahalla Chautha Kar Dooja Ikyumkar Sadguru Prasad. One universal creator God by the grace of the true Guru. Koi aan milave mera pritam pyara, how tis pe aap vichai. If only someone would come and lead me to meet my darling beloved, I would sell myself to him. Darsan har dekhan kehtai, I long for the blessed vision of the Lord's darshan. कृपा करे ता सतगुरु मेले हर हर नाम ते आई रहाओ. When the Lord shows mercy unto me, then I meet the true Guru. I meditate on the name of the Lord हर हर. जे सुख दें ता तुझे अराधी, दुख भी तुझे ते आई. If you will bless me with happiness, then I will worship and adore you. Even in pain, I will meditate on you. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. सबसे बड़ी blessing है हमें clarity मिलना. और clarity कैसे मिलेगी? अगर हमारी ज़िंदगी में light होगी तो इनफैक्ट हम light की value नहीं करते, हम clarity की value करते हैं. हमें अपने हर area में जो भी हमारे लिए important है, health है, family है, finances है, business है, आपका अपना काम है, जो भी आपके लाइफ के इम्पॉर्टेंट एरियाज है, उनमें आपको क्लैरिटी चाहिए. और वो क्लैरिटी हमें कौन दे सकते हैं? गुरु. गुरु का क्या मतलब है? गु मीन्स डार्कनेस एंड रू मीन्स डिस्पेल. तो जो डार्कनेस को डिस्पेल करने में हमें हेल्प करे. सो इनफैक्ट बहुत देर कंफ्यूजन में रहना ठीक नहीं है. ऑलवेज सीक द क्लैरिटी. जितनी अच्छी सनलाइट होगी हम उतनी क्लैरिटी से चल पाएंगे. सो वी डोंट वैल्यू लाइट, वी वैल्यू द क्लैरिटी. एंड लाइट ही जब हमारी ज़िंदगी में आएगी, जब हमारी ज़िंदगी में अच्छे मेंटोर आएंगे, अच्छे गुरु आएंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे सो दैट वी कैन रीच the highest of our potential. And when we meet our potential, जब हम सारे वो काम कर पाएंगे जो हम actually करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें इतने magical experiences होंगे, then we are the blessed person on this planet. So value the light because light provides the clarity. और वो कौन दे सकते हैं हमें? द गुरु, द मेंटोर. तो अगर आपको कहीं पे भी किसी भी एरिया में कंफ्यूजन है, सीक द सपोर्ट ऑफ द मेंटोर, सीक द सपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट. और फिर चाहे लाइफ में हैप्पीनेस हो चाहे दुख हो, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता. वो इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज हमें गाइडेंस साथ साथ मिलती है, हमें क्लैरिटी साथ साथ मिलती है. क्लैरिटी का क्या मतलब होता है? चीज़ों को वैसे ही देखना जैसे वो हैं, उनके बारे में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों इंटरप्रेट करना और ना ही उनको बहुत जज करना. उनको उसी तरह से देखो द वे थिंग्स आर, बिकॉज व्हेन यू सी द वे थिंग्स आर ओनली देन यू कैन डू समथिंग अबाउट देम. तो आज एक प्रैक्टिस कीजिए, आप अपनी लाइफ के एरियाज़ को देखिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और उनमें देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है और कहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है. सीक द गाइडेंस एंड देन टेक द एक्शन. तो आज इस चीज़ को करके देखिए एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी. टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी.